वेलकम फ्रेंड, आज हम अपनी कुर्ती पे शोल्डर बटन लगाएंगे। ये हमारा यहाँ पे ये शोल्डर है, इधर ये बटन हम यहाँ अंदर की साइड लगाएंगे। और ये जो हमने ये पट्टी है, पहले ये 2 इंच की पट्टी, इसको यहाँ पे सिलाई के साथ जॉइंट कर लेनी है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसको हम थोड़ी कट कर लेंगे। ये फ्रेंड, ये हमने थोड़ी कट करके ये हमारी 2 इंच की ये जो ये पट्टी बची है, अब इस पर हम ये जो है ये स्टिच बटन लगाएंगे, ये वाले। और जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इस पे जो ये हमने पट्टी लगाई थी, इस पे लगेगा। इसको ऐसे थोड़ा फोल्ड करके और इस पे ऐसे रखा जाएगा। ये जो उभरा हुआ है ये ऊपर आएगा, ये ऐसे रखा जाएगा। और फिर सुई से इसको हम स्टिच बटन को लगाएंगे ऐसे। ये जो इसमें यहाँ पे ये छेद है, इसमें ये नीचे जाएगा सुई, और फिर इधर से ऊपर। और फिर ये हमारा टिच यहाँ पर लग गया है, हम इधर गांठ लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारे टिच का जो एक पार्ट है ये लग चुका है। और अब हम इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे, और ये यहाँ हमें दूसरा पार्ट इस जगह लगाना है, जहाँ पे ये हमारा यहाँ तक ये आ रहा है उसमें हम ये वाला लगाएंगे। और ये उभरा हुआ पार्ट ये हम नीचे की तरफ रखेंगे, और ये जो गहराई में ये हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। और ये जो शोल्डर की जो ये सिलाई है ये वाली, इसमें ये टिच बटन लगेगा यहाँ पर। ये हमारा इधर से ये स्टिच बटन लग चुका है, और अब हम इस साइड इधर गांठ लगा लेंगे, इसमें पक्का कर लेंगे इसको। ये देखिए, ये हमारा शोल्डर बटन लग गया है, बहुत आसान है। और फ्रेंड, आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी तो हमें बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।